अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। तहरीके अदम एतमाद पर बहुत बहस हो चुकी है, हो रही है, कभी कमेटी बन जाती है, फिर मुशावरत का अमल शुरू हो जाता है, फिर उसमें एक तातुल आ जाता है, फिर मामला जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर नई बयानबाजी जो है वो आ जाती है, और इस हवाले से जो चीज़ नहीं आ रही है वो कोई फैसला कुन बात जो है वो उभर कर सामने नहीं आ रही है। ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो इस वक्त एक महाजराई की कैफियत में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी महंगाई मार्च लेकर कराची से निकल पड़ रहे हैं, हुकूमत को ललकार रहे हैं, इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से, और ये बात कह रहे हैं कि ये मार्च इस्लामाबाद पहुँच कर जमहूरी तरीके से उनको हुकूमत से अलग करेगा। अब इस मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने में और जमहूरी तरीके से हुकूमत से अलग करने में क्या तरीका कार होगा, उसकी कोई निशानदेही जो है वो नहीं हो रही है। दिखाई ये देता है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त सूरत हाल को जो है तातुल का शिकार बनाए हुए है। वो जो तकाजा कर रहे हैं वो शायद ना मुस्लिम लीग नमाज पूरा कर सकती है और ना ही सियासी सूरत हाल जो है वो इस बात की इजाज़त देती है। वज़ारत आला पंजाब या काफ लीग की पंजाब में सीटों को दुगना करना, या ये कि इंतखाबात जो हैं अगर वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो ताखीर से हों, ये शायद ऐसी बातें हैं जो काबिले कबूल मुस्लिम लीग नवाज के लिए नहीं होंगी। पंजाब उनका गढ़ है और वो किसी कीमत पे ये लीवरेज जो है वो किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को तोड़ना भी कोई आसान खेल नहीं होगा, और ज़ाहिर है कि इस हवाले से यकीन दहानी जो है उसको किस तरह इतना मुसम्मम बनाया जाएगा कि जब डी डे आए तो गोल भी हो सके। ये सूरत हाल को लेकर दिखाई ये देता है कि मामलात जूं के तूं रहेंगे, इसी तरीके से सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या ये हालात और वाकयात जो हैं ये महज बयानबाजी तक और महज सियासी एक माहौल जो है उसको गर्म रखने का एक बहाना है, इलेक्शन की तैयारी के लिए लोगों को मोबिलाइज करने का एक तरीका कार है, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं शैल रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैनिटर पी साबिर शाह साहब मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ, आप चूँकि पार्लिमानी अमूर के वज़ीर भी हैं, इजलास आप बुलाते नहीं हैं, अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लानी है, आपने वहाँ रंग और रोगन का काम शुरू कर दिया है, मतलब आप खायफ हैं तहरीक अदम एतमाद से? खाइफ हमने क्या होना है? देखें, ये तो जिस दिन इन्होंने तरीके अदम एतमाद जमा की, फॉर एग्जांपल ये जमा करते हैं कल सुबह जमा करते हैं तो हफ्ते के अंदर हमें बुलाना पड़ेगा, ये रिक्वजिशन इजलास भी बुला सकते हैं। हम तो सारा दिन इनके इंतजार में, मैं तो पार्लिमानी अमूर का दफ्तर खोल के बैठे रहते हैं, और ये भी इनसे वादा रहा कि रेड कार्पेट इनके लिए बिछाएंगे, सिर्फ ये तशरीफ लें। लेकिन मुझे लगता है कि छापा खाने में वो कागज छपा ही नहीं है जिसपे उन्होंने अदम एतमाद लिखनी है। दरअसल मेरी दुआ इनके साथ हैं, तो ये जी तगड़ा करें, जरा कोशिश करें तो ले आए, हम तो तैयार बैठे। अच्छा, अब इसमें पीसा विशा सब काफ लीग से मामला अटका हुआ है, तातुल उधर है, वरना मामला तो आगे बढ़ सकते थे अगर काफ लीग ना होता, तो इसका मतलब ये है कि हालात जूं के तूं की निशानदेही है मुस्तकबिल में? नहीं, मेरे ख्याल में शाह साहब गुजारिश ये है कि अदम एतमाद लाने के लिए एक चीज़ तो आप देखें ना कि यहाँ पे सियासी जमातों के अंदर मुलाकातों का एक सिलसिला जो है वो शुरू है, और ख़ुद हुकूमत जो है वो भी अभी इमरान खान साहब चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए अभी किया है या करने वाले हैं, लाहौर जा रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के लोग जो हैं उनसे कल जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, इसी तरह दीगर जमातों की और काफ लीग के साथ भी बातचीत हो रही है, और ये जाहिर है जी ये मसला इतना
इसमें हर जमात ने कि मैंने क्या पाना है क्या खोना है इसको पे तो नजर बेसिकली रखेंगे। तो ये फिर सियासी मफादात की लड़ाई हुई ना। नहीं, आप कब सियासी जमातें जो हैं तो ये तो मफादात के लिए ही काम करते हैं। ये कब आपने ये सोचा कि ये अवाम के लिए काम करते हैं? नहीं, कोई फी सबीलिल्लाह काम है, अवाम का काम करते हैं, लेकिन मफाद तो होता है। आप इकतदार होगा तो आप काम कर सकेंगे ना, जब आपके पास इकतदार ही नहीं है तो आप कैसे काम कर। मैं इसको ओपन कर लूँ। शैला रजा साहब, आप लोग चूंकि कारवान लेकर निकले हुए हैं, ये महंगाई मार्च है, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ललकार तो रहे हैं, लेकिन इस महंगाई मार्च के जरिए आप हुकूमत को कैसे गिराएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा हर कदम, हर हमला जमहूरी हमला है, जमहूर के साथ हम सड़क पर हैं। इस वक्त मैं हाला में हूँ और पूरी ये मगरिब हो चुकी है और पूरा ये रुका हुआ है। मुझे तो डर था कि आपका प्रोग्राम भी मैं कर सकूँ या नहीं। मैं सनरूफ से बाहर निकली हुई हूँ, काश मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती इसको। तो बहरहाल ये हमने आवाम की आवाज जो है वो बुलंद की है चेयरमैन बिलावल की लीडरशिप में, क्योंकि इस वक्त आवाम जिस महंगाई का शिकार है, जो बेरोजगारी है, जो कुव्वत खरीद की कमी है और जो मसाइल हैं बिजली और गैस की लोड शेडिंग और फिर उनकी बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की कीमत आज फिर उम्मीद है कि बढ़ जाएगी, जो हुकूमत के कारनामे हैं अभी 12 रुपए से बढ़ी थी। तो ये ऐसे वक्त में आवाम की आवाज सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी हुई है और ये बड़ी एक तहरीक है जो कि हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ वजूहात पे हमने मुजाहरे किए। तो इमरान साहब कहते थे कि 200 आदमी निकाल लो तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, और ये महंगाई करने वाले, ये बेरोजगारी करने वाले, ये डाकू हैं। तो जनाब, आपके खिलाफ लाखों लोग इस वक्त सड़क पर हैं। तो दो कैटेगरी हैं जो अपने इलाकों से जो है वो वेलकम करते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं, और उसके बाद वो है जो इस काफिले में शामिल होते जा रहे हैं। तो आवाम खुशी खुशी तो नहीं शामिल हो रही ना, वो तंग है आपसे तो तंग हो रहे हैं। शैला रजा साहब, मैं आता हूँ अब अली मोहम्मद खान साहब, सवाल ये है कि क्या हुकूमत ये समझती है कि तहरीक अदम एतमाद जो है अपोजिशन उसमें पेशरफ्त कर चुकी है, यही वजह है कि वजीर आजम साहब को भी चौधरी बरादरान से मिलने का ख्याल आ ही गया? देखिए नदीम भाई, वो कहते हैं ना, मशहूर एक कौल है कि अपने बड़े बगैर जन्नत जो है वो नहीं मिलती। तो ये अगर तरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि ये तरीक अदम एतमाद ले आए। अब अदम एतमाद की तरीक लाए बगैर इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर खाना खा रहे हैं, उधर चाय पी रहे हैं, इधर बयान दाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो करने वाला एक काम है वो नहीं कर रहे कि एक सादा कागज लेके उस पे जनाबे वाला अपने कायदे अपोजिशन जो लीडर हैं शहबाज साहब और बिलावल साहब और जो इनके और पार्लिमानी लीडरान हैं वो दस्तखत करें, आए पहुंचे, जमा करें, ताकि लग पता जाए उनको भी और हमें भी कि कौन कितने पानी में। ये वैसे ही डोल डाला हुआ है, आपका भी मैदान इन्होंने गर्म किया हुआ है, सजाया हुआ है। हर शाम जो है जिस तरह फोन करते हैं इसी तरह हर शाम ये जो है तरीके अदम एतमाद करते हैं। तरीके अदम एतमाद में सब कुछ है, एक चीज नहीं है नदीम भाई, एतमाद नहीं है इनको एक दूसरे। ठीक है नाजीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें आप पीर साहब शाह साहब ये फरमाइएगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब लगता है कि वो ज़्यादा हकीकत पसंद हैं और उन्होंने जो गुफ्तगू करते रहे हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि जब तक कोई यकीन दहानी ना हो, जब तक बैसाखियाँ ना गिरें, तहरीक अदम एतमाद का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी सूरत ये है कि जो हुकूमत में होता है उसके बाद बहुत सारे ज़राए होते हैं आपकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के, इसका तजर्बा बेनज़ीर के ख़िलाफ़ आप करके भुगत चुके हुए हैं। तो अब आपको वो कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिस पे आपको ये ज़ोम है कि हम लोग तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और एक सिटिंग गवर्नमेंट को हटा लेंगे?
देखिए जी, गुजारिश ये है कि जो मौजूदा तहरीक अदम एतमाद एक ऐसे वक्त में की जा रही है कि इस मुल्क के अवाम जो हैं वो बिल्कुल मफलूज हाल हो चुके हैं। यहाँ पर महंगाई ने लोगों से तकरीबन जीने का हक छीना जा रहा है, बल्कि कितने लोग हैं जो ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं और कितने लोग हैं सफ़ेद पोश लोग जो अब भीख मांगना जो है उसको अब उसमें अब पहले आपको प्रोफेशनल भिखारी नज़र आते थे, अब आपको वहाँ पे शुरफा जो हैं वो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि वो भीख भी मांग रहे हैं, हुजरों पे भी आ रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। तो लोग तंग हैं और ऐसे वक्त में आपके पास चारा क्या है? आपके पास पहले 58-2 भी होता था, उसके ज़रिए से लोगों को डिसलाज किया जाता था। आज जो जमहूरी हमारे पास रास्ता है तो वो यही है कि आप अदम एतमाद लेके आएं। और ये जो अदम एतमाद है, एक चीज़ तो आप नोट कर लेना जी कि हर जमात ने अवाम के सामने उसकी जवाबदेही है। अब मुस्लिम लीग काफ हो या दीगर जमातें हों या ख़ुद पीटीआई के अंदर लोग हों, इन्होंने अल्टीमेटली आज अगर पीटीआई के लोग यहाँ हुकूमत में बैठे हैं या काफ है या आपकी कराची की जो एमक्यूएम की पार्टियाँ हैं वो आज अगर हुकूमत के अंदर बैठे हैं तो बुनियाद उनको यहाँ अवाम ने भेजा है और जवाबदेही भी अवाम के पास अब जाना है आपको। जब आपने अवाम के सामने जवाबदेही देनी है और इस महंगाई का आपके पास हल क्या है, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पे महंगाई को कंट्रोल मैं करने इस पर आता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा एक सवाल है। तो आपके पास रास्ता कोई नहीं। मैं शैला रजा साहब ये फरमाएगा कि फिर साबिर शाह साहब कह रहे हैं रास्ता कोई नहीं, आप तारीख पर नज़र डालें, जब भी जो हुकूमत रही है उस हुकूमत के हिसाब से हमेशा ये महंगाई का जो रोना है ये रोया जाता रहा है और महंगाई रही भी है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर महंगाई का ये आलम है तो आप क्या समझती हैं कि अगर आप हुकूमत को हटा लेंगे तो उसके नतीजे में आप अपोजिशन के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो इस महंगाई को या इस मुआशी सूरत हाल को जो है वो बेहतर कर लेंगे? अच्छा, इसके दो जवाब हैं। आपको तो मालूम था कि कितना कर्जा है पाकिस्तान पे, आपको तो मालूम था कि क्या है खजाने में, तो आपने इसका मतलब झूठ बोला था कि आपके पास आपके पास कोई इसका हल नहीं है। आप तो कहते थे हम सही कर देंगे, लेकिन हमारे पास हल है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमने जो है चला गया तो उससे जाना गन्नम का ना होना था, आटे का मैसर ना होना था। हमने उस वक्त जरा ही एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पे वो बढ़ाई और कोई ये कह नहीं सकता कि हमने जो है वो ऐसा नहीं किया। हमारे मसाले भी हमें गवाही देते हैं कि हमने जो है वो हमारे जमाने में चढ़ा था है। शैला रजा साहब आपको दोबारा कॉल करते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब ये फरमाइएगा कि आप ये नहीं समझते हैं कि मिसमैनेजमेंट आपके यहाँ रही है, बैड गवर्नेंस आपके यहाँ रही है, फैसला साजी में तज़ब्ज़ुब आपके यहाँ रहा है, जो डिलीवरी है वो बहुत कमज़ोर रही है और आज जो आपकी हुकूमत मुश्किलात में घिरी हुई है उसकी बुनियादी वजह यही है? देखिए, मैं तो कोई ऐसी बड़ी मुश्किलात नहीं देख रहा। एक इशू है महंगाई का जो इंटरनेशनल फिनोमेना है। आप किस बात से एग्री करते हुए कि गवर्नेंस से आप उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं? तो रजिस्ट्रेसी का निज़ाम जो है ये एक ऐसा एक लूज मैकेनिज्म है जिसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन असल में तो मसला और है। अपोजिशन को तो ना अवाम का दर्द है ना ये अवाम के लिए निकले हैं, बेसिकली तो ये अपने लिए निकले, क्योंकि एक तो पावर पॉलिटिक्स है। इनको ये पता है कि अगर इमरान खान साहब अपना पूरा वक्त करते हैं, इंशाल्लाह जो वो करेंगे, तो अब आखिरी साल में प्रोजेक्ट्स मेच्योर होने लगे हैं, रोड से सब कुछ निकल के आने लगा है, आपके तमाम अच्छा बुरा सब सामने आ जाता है आखिरी साल। देखो, ये खदशा है और ये बजाएं अपने खदशे में कि अगर तो इमरान खान साहब पूरा वक्त करते हैं तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा वाली सूरत हाल बन जाएगी, दो तिहाई हो जाएगी और ना सिर्फ मरकज में बल्कि सिंध में भी इनका इकतदार जो है वो खतरे में है। तो ऐसे हालात में मैं ये समझता हूँ कि मैं तो इनको 10 में से 10 नंबर लूंगा कि ये इमरान खान साहब को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपने
मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। जो बड़े बड़े पैसे जो है कमाए गए थे, जो पाकिस्तान से बाहर जो बड़े बड़े फंड निकाल के लेके गए थे, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं कि उसका तो अगर इमरान खान साहब वक्त पूरा करते हैं तो इनका तो फिर बिस्तर गोल, सियासी बिस्तर गोल। नहीं, अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये नहीं महसूस होता कि जिस तरह बाकी हुकूमतें एक जजीरा नमा होती हैं और आवाम का उस जजीरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपकी हुकूमत भी उसी तरीके से ऑपरेट की है और उसके नतीजे में आज ना सिर्फ सियासी मसाइल हैं बल्कि जो समाजी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये मसाइल तो हमें वर्षों में मिले ना, ये कोई हमें कोई स्कैंडिनेविया तो नहीं मिला था, इन्होंने जिस हालत में इसको पहुंचाया। आप इनसे ये पूछें, देखें हमेशा जो कुछ सवाल करता है जवाब उसके पास होता है, आप इनसे पूछे आपके पास हल क्या है, हल वाल इनके पास कोई नहीं है। इनके पास तमाम मसाइल का हल ये है कि इमरान खान साहब को आप सिस्टम से निकालें ताकि इनके दोबारे खाबे जो है वो शुरू हों, कभी मेरी बारी कभी तुम्हारी बारी, तेरे पास सिंध मेरे पास मरकज, तू पंजाब ले ले मुझे सिंध दे दे, मैं पाकिस्तान में कोलिशन बना देता हूँ, आधा तेरा आधा मेरा, यही कहानी सारी इनकी चलती रही है। अब इसमें पीर साहब और शाह साहब जैसे लोग और हमारी सबका मोहतरमा डिप्टी स्पीकर साहब जैसे पॉलिटिकल वर्कर ये भी पिसते हैं, इनका भी दिल रोलता है। देखें इनका भी दिल रोलता है, क्या ये भुट्टो की पार्टी रहेगी? ये जो किया है, देखें सब एहतराम तमाम एहतराम को मलहूज खातर रखते हुए जो काम मरहूम ज़िया साहब नहीं कर सके वो जरदारी साहब ने कर दिया पीपल स्पीकर साहब। वो कौमी जमात आज एक इलाकाई जमात रह गई है, वो सिंध की जमात रह गई है, अंदरूनी सिंध की कराची में किधर है पीपल्स पार्टी, हैदराबाद में किधर है पीपल्स पार्टी, लाहौर में किधर है, पिशावर में किधर है, सवात में किधर है, चित्राल में, ये सब जगहों से बीबी शहीद जीता कर दी थी, ये अपने सब अपने गिरबान में जाएंगे, इनने कर क्या दिया है इस तरह की जलसे जुलूस निकाल के? सबसे पहले तो मुझे इसका जवाब देना, आपके अपने सूबे में जहाँ 13 साल से मुहतरमा कि आपकी हुकूमत है वहाँ नहीं, आप ये नहीं समझते आपकी भी यही सूरत हाल रही तो शायद आप भी खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो जाए। चले वो तो मुस्तकबिल में होगा, मैं शैला साहब आ रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से एक मशल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक शैला साहबा, आपकी तरफ पहले आ जाता हूँ। आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनी होगी, देखें ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद हो गई है, पंजाब में अगर आप देखें तो एक तवील अरसे के बाद हालिया एक ज़िमनी इलेक्शन में आप लोगों ने 32,000 वोट हासिल किए, वरना 250, 300, 500 की सूरत हाल थी। और ये जो आपका महंगाई मार्च है इसको भी हुकूमत को गिराने की नज़र से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इस नज़र से देखा जा रहा है कि आप सिंध से वेव लेकर पंजाब में अपनी मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, अपने आप को ज़िंदा करना चाहते हैं। आपकी इतिहादी कुवतें भी कह रही हैं कि हम रियासत की वजह से इनके साथ हैं, वरना इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमेशा हमारी गर्दन पे रहा है, उसने हमें महदूद किया है, हमारे लीडर्स को जो है फांसी चढ़ाई है, उनको टेररिज्म का शिकार बन रहे हैं, तो अगर हमें महदूद किया गया है तो इंजीनियरिंग से किया गया है, हम अपनी मेहनत लेके चल रहे हैं, इस वक्त जब मेरी कितनी आवाज आ रही है, हम हालात से गुजर रहे हैं और मैं रूफटॉप से निकली हुई हूँ और मैं देख सकती हूँ, तो अगर हम सिंध से भी जो है माइलेज लेके आ रहे हैं तो आप तो केपी में हार गए 7 साल के बाद बंदियाती इलेक्शन, आपको दूसरे मरहले को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, आपको जो है वो गलत कानून ला रहे हैं, आप बताएं पूरे कितने लोग हैं जिसमें आपका जो मेयर जो है कामयाब हुआ है, कितनी आबादी में से कितने परसेंट में डाला है, अब वो कामयाब हो गया तो वो क्या करेगा, नहीं जो उसके लोग नहीं है, तो हम एक पूरी तरीके से चल रहे हैं, हमने जो ये लॉन्ग मार्च में फैसला लिया इससे पहले हमने मुजाहरे किए और हम समझते थे कि हमारा हमला है, कि हम आपको ये बता दें कि हम आवाम की आवाज है। ठीक है, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है साबरी शाह साहब कि पावर पॉलिटिक्स के इख्तदाद का हसूल जो है वो बुनियादी तौर पर
अब सियासी जमातें भी तो कॉर्पोरेटाइज कल्चर की हो गई हैं ना, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं। खान साहब ना हो तो पीटीआई नहीं होगी, नवाज़ शरीफ ना हो तो मुस्लिम लीग नवाज़ का पता नहीं क्या हाल होगा, भुट्टो किसी भी शक्ल में पीपल्स पार्टी पर ना हो तो वो एक तितर बितर हुई हुई पार्टी है। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये समझते हैं कि ये चूँकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि थर्ड फोर्स आ जाएगी, वो थर्ड फोर्स आ गई, उसने आप दोनों को धंधे से लगा दिया, अब आपकी बचाओ तहरीक है? देखिए जी, आप जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि देखिए भुट्टो साहब नहीं रहे तो बेनज़ीर आ गई ना, अब बेनज़ीर नहीं है तो अब उनके बेटे हैं। इसी तरह आप नवाज़ शरीफ साहब या आप एएनपी को लो लें, एएनपी गफ़ार खान साहब के बाद वली खान है, वली खान के बाद, और ये हमारी सियासत के अंदर ये ट्रेंड रहेगा। इसी तरह मुस्लिम लीग की अगर आप नवाज़ शरीफ साहब को देखें, उसके बाद शहबाज साहब हैं और या मरियम जो हैं वो भी एक पोटेंशियल उसकी, जो थोड़े अरसे में उसने जिस तरह अपने आप को मनवाया, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो एक्चुअल सियासी जमातें होती हैं, एक तो आप ये है ना जी कि हालात की खोक से आप एक ऐसा नारा लोगों को दे देते हैं, वन टाइम नारा जिसे मैं ये कहता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो नारा दिया था और जिस तरह कि इस मुल्क के अंदर मैं इतनी लाखों नौकरियां दूंगा, लोग गरीबों में घर तकसीम होंगे, इस मुल्क में महंगाई जो है वो नहीं होगी, डॉलर की कीमत जो है वो अगर एक दो रुपए भी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैं एहसास प्रोग्राम के जरिए बेशुमार चीज़ें जो हैं वो कर रहा हूँ, नौजवानों को कर्जे दे रहे हैं, ये तो देखिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का चरवा है, वही प्रोग्राम हमने भी चलाया। अब नाम बदल के आपने बोर्ड जो है वो हटा दिया, एक और बोर्ड लगा दिया, और लेकिन है तो वही प्रोग्राम है जिसको आगे लेके जा रहे हैं। आपने दिया क्या? अब ये जो अभी लोगों को दे रहे हैं आप, ये हेल्थ कार्ड, तो इसमें भी जो है वो वन टाइम है, यानी ऐसी इसकी कोई बेस नहीं है, बल्कि आपने बैंक से कर्ज लिया और आइंदा इलेक्शन में अपने लिए एक जवाब पैदा करने के लिए आपने, जिस पे अब अवाम के टैक्स अवाम के ऊपर पड़ रहे हैं, अवाम ही उसका वो दे रहे हैं एक तरफ से, आप अवाम ये बताएं, ये बताएं, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, इलेक्शन 2023 में ही होने, देखिए ये तो हालात पे है, हमारी तो कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके। अगर आप मायूस नहीं, आपको नहीं लग रहा कि तरीके अदम एतमाद फिजल आउट हो गई है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए कितनी बातें हैं जिसको हम इस पर इन प्रोग्रामों के अंदर तो उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको अब अपने लोगों की फिक्र पड़ गई। अब जितने करीबी साथी थे इनके, आज वो कहाँ पे मीटिंग हो रही है, कहाँ मिल रहे हैं, तो ये एक्टिविटी अपनी जगह पे मौजूद है, और ऐसी एक्टिविटी ने हुकूमत को परेशान भी किया हुआ है, वरना ये तो मज़े से बैठे होते कि हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारे बंदे हैं, पूरे हैं, हमारे साथ पार्टी हमारे साथ हैं। लेकिन देखें आज MQM के साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं, मुस्लिम लीग काफ के साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं, असल में जो सारी सूरत हाल में मज़े में तरीन साहब MQM और काफ लीग ही है कि आपसे मिल जाए उससे बेहतर तो क्या, और इधर तो चलो मिली नहीं, सबकी नज़र फ्यूचर पे भी है ना, ये एक साल की बात तो नहीं है, डेढ़ साल की, आइंदा फ्यूचर तो 5 साल वो का जितनी है, है उतनी वो मेंटेन तो कर लेंगे, 5 साल का जो फ्यूचर है नजर तो सियासतदानों की उस पे। अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाएगा कि आपको अपनी पार्टी के अंदर जो मामलात हैं उससे तशवीश है कि आप मुतमिन है कि नहीं कर लें इन्होंने जो करना है? नहीं, अंदर क्या होना है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल से चला ही रहे हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें इस तरह के थोड़े बहुत मसले तो आते रहते हैं, असल में तो मसला ही क्या है, क्योंकि ये जिस तरीके से एक दूसरे से कर रहे हैं ऐसा ना हो आपस में फिर दोबारा वही, आप एक्शन रिप्ले देखें जो इन्होंने PDM में एक दूसरे के साथ किया, कि कहां ये निकले थे, डेटे दे रहे थे 2020 दिसंबर की,
यानी कि पिछले साल दिसंबर की डेटें मरियम साहिबा दे रही थी और बिलावल साहब भी जनाब आसमान सर पे मोहतरम ने उठाया हुआ था और इमरान खान साहब को तो ये एक साल पहले घर बेच चुके हैं अपनी तरफ से, तो हमारी हुकूमत का ये एक साल पहले जनाजा पड़ चुके हैं। तो अब मुझे नहीं पता ये फिर क्या किस लिए इकट्ठे हुए, ऐसा ना हो आपस में एंड में ये गुत्थम गुत्था हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनका सिस्टम है यानी कि ये इस तरह से है कि एक बंदा है उसको नौकरी मिली नहीं है और वो इस चक्कर में कि मैं जो है अपनी पहली तनख्वाह के साथ क्या करूंगा। यानी आपने जनाब अदम एतमाद लाने के तो आपने जनाब आप जोगे नहीं है, आपके आपस में कोई इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है और आप ये फैसले में पड़े हैं कि वजीर आजम कौन बनेगा, तो वजीर आला को ओ भाई अदम एतमाद तो लेके आओ, आप हिम्मत तो पैदा करो, ये पीर साहब बैठे हैं मेरे तो बड़े मोहतरम है, इनसे बड़ा एहतराम का भी रिश्ता है, पीर साहब से पूछें, हमेशा बंदे इनके कम निकलते हैं, सेनेट में इनके बंदे कम निकलते हैं, कौमी असेंबली में इनके बंदे कम निकलते हैं, फिर बैठ के जो है सीना को भी करते हैं, सारे के सारे रोते रहते हैं। तो मैं आप मुझे बताएं, मुझे तो इनकी बड़ी फिक्र है, वैसे फिर मैं कह रहा हूँ आ जाएं सर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, नजर बट्टू के लिए जमा कर दें, ये तरीका तो मैं तमाम ठीक। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया पीर साबिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा। नाज़रीन आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।